सो गाइस हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये खड़ा अपना गब्बर और ये अपना देखो जैसे धर्म भाई की गाड़ी आती है और ऑडियंस आप चेक कर ही सकते हो भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल। तो भाई कैसी है मेरी YouTube फैमिली। तो भाई आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है फिर से घर से। और भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है तो पहले तो पूरी YouTube फैमिली को गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग का स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट किया आज के प्लान्स क्या रहने वाले हैं भाई, तो बहुत ही जबरदस्त प्लान्स हैं आज के। और एक वीडियो हम एक व्लॉग शूट करने जा रहे हैं भाई तरुण भाई के साथ। व्लॉग क्या रहने वाला है उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले अगर हम डिस्क्लोज कर देंगे, कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा यार, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या व्लॉग रहने वाला है। इसलिए आज आपको बहुत मजा आएगा, एक एक्सट्रीम टग ऑफ वॉर दिखेगी और तरुण भाई की गाड़ी जो उन्होंने नई गाड़ी बलेरो ली है उसके साथ हम टग ऑफ वॉर करने जा रहे हैं। और काफी मॉड्स भी उन्होंने कराए हैं, आपको पता है काफी मॉन्स्टर वो बलेरो दिख रही है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया कि भाई वो कितनी जबरदस्त वो बलेरो लग रही है, तो काफी अच्छे रिएक्शन भी मिल रहे थे उसको, क्योंकि मैं ड्राइव करके आया हूँ। आपको पता गाड़ी मेरे पास थी वो कल शाम को और पिछले दिन मेरे पास थी, काफी अच्छे रिएक्शन भी आए हैं उसको। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी एक डिटेल, एक हम इस गाड़ी का एक रिव्यू भी करें, एक रिव्यू वीडियो भी शूट करें, तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखना, तो इसका एक पूरा रिव्यू करेंगे, एक सेपरेट एक व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल आज क्या रहने वाला, आज है भाई टग ऑफ वॉर हो गया हमारी गब्बर और उसके बीच में, तरुण भाई की बलेरो के बीच में और हमारे गब्बर के बीच में। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से निकलते हैं, घर से निकलेंगे, पहले गब्बर को करेंगे कोल्ड स्टार्ट, फिर उसके बाद सीधा हम आपको मिलेंगे ऑन द वे। और तरुण भाई भी निकल गए हैं, हम भी घर से निकलने लगे हैं, दोनों गाड़ियां लेके जाएंगे सीधा अपने स्पॉट पे जाके आपको मिलती है। तो बने रहो वीडियो में, बहुत मजा आएगा भाई, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो गाइस सामने खड़ा है गब्बर और जल्दी से ये खड़ी है भाई अपनी ML और राहिल चलाएगा ये और हम लेके जाएंगे गब्बर को। तो पहले जल्दी से पहले इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो भाई अंदर आ चुके हैं और तो भाई गाड़ी को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट, बस अब जल्दी से आपको लोकेशन में मिलते हैं, तो बने रहो वीडियो में, बहुत मजा आएगा भाई आज। सो गाइज हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये खड़ा अपना गब्बर और ये अपने ML खड़ी है और तरुण भाई का वेट हो रहा है, तरुण भाई अभी आए नहीं है। तो गाइज हम जाएंगे सीधा पहले नीचे अपने स्पॉट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आपको सीन दिखाते हैं, तो चलते हैं भाई पहले आगे। सो गाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन आ चुका है और तरुण भाई भी पहुंच चुके हैं और पीछे ऑडियंस देखो, जैसे तरुण भाई की गाड़ी आती है और ऑडियंस आप चेक कर ही सकते हो भाई। तो गाड़ी तरुण भाई की भी पहुंच गई है, फिर आगे देखते हैं भाई अब क्या एक्सट्रीम होने वाला है अब आगे। तरुण भैया ऑलवेज लेट, अच्छा इन टाइम आज विंच की जरूरत पड़ेगी, क्यों गुस्सा डालेगा आज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी, ठीक है चले। तो भाई अभी टग ऑफ वार हुई नहीं है और तरुण भाई की प्लेट देख लो आप। ओहो अच्छा ये क्या किया, ओ भैया इसकी वॉशर निकल गई, एक नंबर प्लेट की वॉशर निकल गई, एक वही पीछे वाली जो वॉशर लगती है ना जो आपने लगाई है। तो भाई पहुंच गए स्पॉट पे, तरुण भैया ने आते ही सीधी करके लगा दी है। तरुण भैया बड़े फास्ट हो यार, आपको जल्दी नहीं जाने की, थोड़ा सा नहीं अभी ये ऊपर जो पड़ा है ये आप जान के वेट डाल के लाए हो, मुझे लग गया था कि वेट गाड़ी का वेट है, वेट नहीं, इसको वो लगाना भी है ना आज इंस्टॉल, अच्छा इंस्टॉल करना आज, तो उस चक्करों में आप थोड़ी जल्दी में हो। हाँ फिर उसके बाद एक दो काम और भी हैं अर्जेंट, बिजी लाइफ है, कुछ मीटिंग्स है मेरी। किसके साथ भी है वो आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो गब्बर भी अपनी पोजीशन में आने लगा और इतना कोई खास आज थ्रो हो नहीं पाएगा गब्बर से, आप आवाज सुन सकते हो ना इसकी। तो ऑडियंस भाई देख लो ऊपर हवा में भी आ गई हमारी, देख रहे हो आप चेक कर रहे हो, हेलीकॉप्टर आ गया है, तो कह रहा है भाई आज आपकी सारी वीडियो मैं शूट करूंगा। तरुण भैया हैं तो को हम इससे भी टाका फार कर लेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, लगाते हैं लगाते हैं। तो भाई पूरी फुल तैयारी हो गई है, तरुण भैया रेडी हो, अब आ गए हैं तो रेडी हैं, अब कोई ऑप्शन। तो गाइस जल्दी से निकालेगा सामान, निकालो अपने एक्सेसरी। राहिल भैया राहिल इस पटे की इतनी वो ये ना क्या बोलते हैं इसको, गाड़ी थोड़ी सी पीछे कौन करेगा, तुम करेगा ये तरुण भाई करेगा। तो भाई सामान वगैरह निकल चुका है और आज आपको आएगा बहुत ही मजा। तरुण भैया डालना कहाँ है इसमें, पीछे हुक है क्या, ये इसको डाल लेना, ये बम्पर निकल जाएगा। तो तरुण भैया गब्बर को पीछे करते हुए, ओके ओके डन। मैं भैया मैं बड़े हो गया आप,
लंबा भैया, हाइट हाइट इश्यूज, मेरा पांव देखो कितना हाइट है, हाइट इश्यूज भैया, हाइट इश्यूज। और भैया दिख भी नहीं रहे हो, वही तो आप तो ऐसे लग रहे हो सेठ लेट होता ना, जैसे पीछे छोटा सेठ है। ये है ना हुक, कौन सी हुक, बम्पर वाली। तो आते ही भैया जल्दी से फटाफट स्टार्ट हो गया। तरुण भैया कह रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी करो। एक भाई तरुण यहाँ लगे हैं और राहिल यहाँ लगे। राहिल तू प्रॉपरली बैठ क्यों नहीं रहा? प्रॉपरली बैठना क्या बोलते हैं, मतलब सीधा होकर बैठना यार। मेरे को पानी लगा हुआ है, फिजिक देखो ना, देखो कह रहा मेरे को पानी लगा हुआ है। भैया खाते पीते घर का लड़का है यार, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं खाते पीते घर का लड़का है, लग नहीं रहा है मुझे। लगेगा ऐसे पेट में लगेगा, हम लगने देंगे। क्या करना भैया, पहले 4x2, अच्छा फिर 4x4, पहले 4x2 फिर 4x4, ठीक है सीधा। दो काम बस, दो ही तो तीसरी, बस दो में खड्डे ही होने, क्योंकि ये जगह ही वैसे खड्डे ही होने हैं सर। लेकिन फिर भी कौन सी गाड़ी को ज्यादा जोर लग रहा है वो दिख जाएगा। नहीं जोर तो उसी को लगेगा, उसका बेचारी का क्लच आपको पता है पहले ही बड़ा हो गया। नहीं नहीं, आप जोर लगाओगे तरुण भैया, आप वो भी गाड़ी को। नाइस, टग ऑफ वॉर होने लगी है बिगिन, और पहला अटेम्प्ट जो होगा वो होगा 4x2 में। पहला अटेम्प्ट होगा 4x2 में, तो हम जा रहे हैं गब्बर के अंदर। तो अब आगे कैमरा होल्ड करने के वाला है राहिल, तो भाई बहुत मजा आएगा। अभी ज्यादा मैं इसको प्रेशर भी नहीं दे सकता भाई, इसकी क्लच जो है, इसका क्लच जो है पहले ही काफी नरम है। और तो ये लो भाई राहिल, कैरी ऑन। तो गाइस चेक करो, एक गाड़ियां स्टार्ट की जाए, आई एम ऑलवेज रेडी, गाड़ियां स्टार्ट करो भाई। गब्बर भी स्टार्ट है, वो स्टार्ट है, 1 2 3। ओके 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 भाई साहब, ये देख रहे हो तरवी बंद हो गई थी शायद। बेसिकली ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रेस उठा नहीं पाएगी, ये बंद हो जाएगी गाड़ी। और उधर क्लच की स्मेल आ रही है, जरा मैं उधर भी पूछ के आता है। भाई धुआं देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, वहां से घसीटी है, वो कहां फेंक दी से, गब्बर गब्बर है यार। क्लच की स्मेल आ रही है काफी ज्यादा, क्लच बर्न हो रहा है इसका, तुझे पता ही है क्लच अब खत्म है। तो क्लच गाइस यार आपको पता ही है, मोटा खचाने वाला है, एंड दी एंड पे ही है ऑलमोस्ट। और क्लच अभी फोर, तरुण ये कह रहे हैं गाड़ी बंद हो गई थी मेरी, और वो ये नहीं हो गई थी, मैंने देखा सेल्फ बजा दोबारा। 4x2 में आपको पता है कि जोर लगता है, तो इसलिए गाड़ी ने जोर लिया थोड़ा, तो क्लच बर्न की थोड़ी स्मेल आई है। अब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा भाई होगा 4x4 में। चलो करो करो पोजीशन करो, पोजीशन करो। लूना 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 जाते हैं उसको, तरुण बंद क्यों हो गई थी? अब हम इनके पीछे पीछे चोरी चोरी कैमरा लेके जाते हैं, देखना क्या बातें करते हैं। बंद बंद जिस वजह से हुई वो मैं आपको बता नहीं सकता, कैमरा बंद करो। सो अभी हम करेंगे लो गियर में, क्योंकि 4x2 में तो गाड़ी दम भर नहीं पा रही, अब लो में देखते हैं भर पाएगी नहीं भर पाएगी। देखो आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यू गाइस डोंट वरी, बोलेरो अपनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल इशू हो गया है जिसकी वजह से वो दम नहीं भर पाएगी क्या? नहीं वो तो बात सही है बिल्कुल, मैं नहीं बता सकता हर बात यार, समझा करो गाइस, समझा करो समझा करो। तो आप 4x4 में अटेम्प्ट करेंगे, मैं बता दूं ये को ज्यादा ही टेक्निकल चले जाएगा भाई। अब है नेक्स्ट आई 4x4 लो, उस साइड कर ले थोड़े से बस। तो भाई ये है आप सेकंड अटेम्प्ट, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा फ्रेम लेते हैं। 1 2 3 धुआं, ये तो बेस्ट वन था यार, ये तो बेस्ट वन था। हाल तो देख रहे हो, ये प्रॉपर टका मार है यार। सो गाइज इस बार आया है काफी मजा, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तरुण खड्डे चेक करो, खड्डे कोई ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए। और ये देखो यहां से
यहाँ से गब्बर थोड़ा मूव कर गया टूवर्ड्स डाउन, तो ये टायर थोड़ा ट्रैक्शन कम हो गया। इस टायर ने बराबर ट्रैक्शन लिया आप देख सकते हो, और ये देखो भाई यहाँ से फ्लैक्स हो गया ना, ये देखो यहाँ से हो गया थोड़ा फ्लैक्स। फ्लैक्स क्यों हुआ, क्यों वहाँ से? तो भाई ये चेक करो आप, इस बार बलैरो जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम चली गई और हाफ ऑफ द टायर जो है वो नीचे चला गया, और कितने बड़े बड़े खड्डे निकाले हैं ड्यू टू। ये देखो भाई टायर की आप ग्रिप चेक कर रहे हो, देखो कितना टायर है, टायर की ग्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से देखो ऐसे लग रहा है कि शायद मिट्टी जो है वो इसके पीछे लगाई गई है, और काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रीम इस बार बलैरो ने, लेकिन बलैरो ने परफॉर्म काफ़ी अच्छा किया, 4x4 में पावर अच्छी निकाली है। गब्बर हालांकि हमारा थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, लेकिन इस बार मजा आया। क्यों तरुण भाई, इस बार मजा आया ना, बराबर रहा, टेस्ट हुई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरुण भैया टायरों का कमाल है सारा, पर खोदी ही आगे तो नहीं गई। नहीं खोदा भी है ना, लेकिन भैया क्योंकि खोदने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता, पता आपको? काफी एक्सट्रीम बलैरो ने परफॉर्म किया इस बार यार, ऐसी बात नहीं है। तो गब्बर ने भी खड्डे निकाले हैं, अभी आपको दिखाते हैं भाई पीछे किए राहिल ने, और खड्डे आपको चेक कराते हैं। सो गाइज टग ऑफ वॉर एंड हो चुका है, और टग ऑफ वॉर आपने देख ही ली वीडियो में कैसी रही, और भाई अब तरुण भैया गाड़ी निकाल रहे हैं खड्डों से बाहर। तरुण भैया लो लगा लो, ऐसे नहीं निकलेंगे, काफी ज्यादा खड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े। ओहो ओहो, तो भाई ऐसा नहीं है, काफी एक्सट्रीम हुआ है आज, और मजा भी आया आज, काफी मजा भी आया आज। और तो ये थी भाई टग ऑफ वॉर, तो कैसी लगी टग ऑफ वॉर? अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, दबा के सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो, लाइक कर दो। तो तरुण भाई कर रहे हैं अनलॉक अपने हब्स, पहले लॉक किए थे लॉक किए थे तभी फंसी थी, नहीं तो फंसी कहाँ, ये चली जाती पीछे पीछे चली जानी थी अगर लॉक नहीं किए होते हब। सो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दबा के सपोर्ट कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ KS ब्लॉग 0786, बाय बाय।